300 करोड़ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं i7 प्रोसेसर के अंदर। एक ह्यूमन ब्रेन नियर अबाउट 100 बिलियन सेल्स कंटेन करता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। उसी तरह एक कंप्यूटर के अंदर बिलियन ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। ट्रांजिस्टर्स प्योर सिलिकॉन के बने होते हैं जो कि एक केमिकल एलिमेंट है जो कॉमनली सैंड में पाया जाता है। 1965 में गॉर्डन मोर ने प्रेडिक्ट किया था कि किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज हो रहे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल हो जाएंगे ऑन एवरी 18 मंथ्स, और ये प्रेडिक्शन 1965 से अब तक ट्रू होते चला आ रहा है। डे बाय डे कंप्यूटर्स आर गेनिंग इन फंक्शनैलिटी एंड श्रिंकिंग इन साइज। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग टर्म ग्राफ देखें फंक्शनैलिटी वर्सेस साइज का, तो 1946 में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ENIAC डेवलप हुआ जो कि 1800 स्क्वायर फीट की जगह लेता था और एक सेकंड में 5000 कैलकुलेशंस करता था। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट i7 प्रोसेसर की जो कि एक सेकंड में 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन करता है और इसकी साइज एक मेमोरी कार्ड से भी छोटी है।